రాష్ట్ర అసెంబ్లీలో ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డికి ఎంఐఎం నేత అక్బరుద్దీన్ ఓవైసీ మధ్య సవాళ్ల పర్వం కొనసాగింది. సభలో ముస్లింల గొంతు నొక్కేందుకు రేవంత్ ప్రభుత్వం ప్రయత్నిస్తోందని అక్బర్ ఘాటు వ్యాఖ్యలు చేశారు. దీనికి ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ ధీటుగా బదులిచ్చారు. తమ ప్రభుత్వం ముస్లిం మైనారిటీల అభివృద్ధికి కట్టుబడి ఉందన్నారు సీఎం రేవంత్. अगर हम काम नहीं कराते होते तो बार बार जीत कर नहीं आते. छह मर्तबा जीत कर आया हूं वो कांग्रेस ने, लेकिन उसके बावजूद भी मुसलमानों ने अपने एतमाद का इजहार हम मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन पे किया और हम कामयाब होकर आए हैं. हम डरने या घबराने वालों में से नहीं है. हम मुकाबला करते आए हैं, मुकाबला करते रहेंगे. किरण कुमार रेड्डी ने जेल में डाला, हम जेल में रहे. हमको भेज दिया शहर से, हम उस वक्त भी नहीं डरे. अरे हम डरने घबराने वाले नहीं है. मैं पांच मर्तबा जेल में जाके आ चुका हूं, और भी जाना है तो जाएंगे. मुसलमानों की आवाज तेलंगाना में थी, है और रहेगी. इस आवाज को कोई नहीं दबा सकता. हम लोग जुबली हिल्स से एक मुसलमान हिंदुस्तान के सबसे बड़ा खिलाड़ी अजहरुद्दीन ओवैसी को हम टिकट दिए. अजहरुद्दीन को हम टिकट दिए तो अजहरुद्दीन को हराने के लिए दूसरा मुसलमान को वहां चुनाव लड़वा के एक मुसलमान को हरा दिए. दूसरी बात, कामा रेड्डी से हम लोग शब्बीर अली जी को जिताने के लिए, एक माइनॉरिटी को जिताने के लिए हम कोशिश किए तो शब्बीर अली को हराने के लिए उनके जाने माने दोस्त कल्वकुंट्ल चंद्रशेखर राव वहां कामा रेड्डी से चुनाव लड़ा. साहब इन्हों अजहरुद्दीन को हरा देते एक मुसलमान को, इनके खास दोस्त कल्वकुंट्ल चंद्रशेखर राव कामारेड्डी में दूसरे मुसलमान को हराने के लिए कोशिश करते, मगर ये मुसलमान के हक के ठेकेदार कैसे बनेंगे सर.